Hello students, how are you all? सो so स्टूडेंट्स हम हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं अरेस्टेड रूल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ अ करंट फ्लोइंग थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर अब इसी में हमने पढ़ा था हमारा राइट हैंड थंब रूल और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट्स सोलिनॉइड तो सबसे पहले सोलिनॉइड क्या होता है सो सोलिनॉइड इज अ अल सोलिनॉइड हमारे पास एक कॉल रहती है विद मैनी सर्क्युलर टर्न्स जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स रहते हैं किसके इंसुल Copper. वायर के और यहाँ पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए वो ये है कि जो सोलिनॉइड है सोलिनॉयड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट हमें पता है दैट जो बार मैग्नेट है बार मैग्नेट में हमारे पास क्या रहता है जो फील्ड लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एंड से एमर्ज करती हैं और दूसरे एंड पर जाके मर्ज हो जाती हैं मतलब अगर हम आउटसाइड द मैग्नेट बात करें आउटसाइड द बार मैग्नेट जो फील्ड लाइन्स हैं फील्ड लाइन्स मर्ज करती हैं साउथ पोल में लेकिन

टू एनर मतलब शुरू होना मर्ज मतलब पे जाके वो हो जाती है. Solenoid, जो जैसे कि वो बिहेव करती है सोलिनॉइड का एक एंड बिहेव करता है नॉर्थ पोल की तरह जबकि जो दूसरा एंड है वो बिहेव करता है

It's like a bar magnet. अभी आप नोट कीजिए जो फील्ड है फील्ड लाइंस आर पैरल स्ट्रेट लाइन इनसाइड द सोलिनॉइड कि जो सोलिनॉइड है सोलिनॉइड के बीच में अगर आप फील्ड लाइंस देखेंगे ये बिल्कुल पैरल स्ट्रेट लाइंस हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो फील्ड है जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनॉइड इट्स यूनिफॉर्म तो ये चीज हमेशा याद रखें ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट हम क्या कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरल स्ट्रेट लाइन इन द सोलिड सोलेनोइड सोलेनोइड के अंदर ये बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं दीज आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है इसका मतलब क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स सभी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसका मतलब सेम रहेगी सो व्हाट वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज प्रोड्यूस्रॉ इन अ हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है क्यों क्योंकि जो सोलिनॉइड में बहुत सारे टर्न्स होते हैं जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग क्या होगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सो अनादर पॉइंट अनादर वर्थ नोटिंग पॉइंट है इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज अट्रॉ इन सोलिनोइ रीजन क्या है लार्ज नंबर मोर द नंबर जितने टर्स होंगे मोर करंट फ्लो थ्रू इट उतना ही करंट उसमें से फ्लो करेगा एंड हेंस मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही ज्यादा होगी उतनी ही जीए. स्ट्रॉन्ग होगी वी कैन से एंड द स्ट्रोंगर इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ये चीज़ भी हम कह सकते हैं तो ये और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो फील्ड लाइन्स हैं वो पैरल होती हैं इनसाइड द मैगनेट तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फील्ड है जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलिनोइड इनसाइड द सोलिनोइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और दूसरी चीज़ ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सोलिनोइड की वजह से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी नाउ वी शेल डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स कि जो सोलिनॉइड है सोलिनॉयड की जो मैग्नेटिक फील्ड है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है सबसे पहले तो है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी के साथ मैग्नेटिक फील्ड बी इज डायरेक्टली परपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्नस पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलिनोइड की कितने टर्नस हैं जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ये चीज़ यहाँ पर याद रखें दैट बी Terima इज़ पर टू एन एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एन इज़ रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की पर यूनिट लेंथ कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो ज़्यादा होगी अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स कम है तो कंपेरिजन में जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी कम रहेगी डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी भी ज़्यादा रहेगी ये क्वान्टिटीज़ जो हैं एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड कर मैग्नेटिक फील्ड बी जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन कितना करंट पास हो रहा है अगर ज्यादा करंट पास हो रहा है तो व्हाट वी कैन से जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ज्यादा करंट मतलब ज़्यादा so तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं एंड फ्रॉम वन एंड टू एक और दो से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं दैट बी इज परपोर्शनल टू एन आई बी एन आई के परपोर्शनल है मतलब इट इज़ डायरेक्टली परपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट जैसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए कि अगर हमें किसी सॉलिड uh, वाइड की स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो क्या करें अगर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे हमें उसमें से जो करंट पास कर रहा है उसे भी बढ़ाना पड़ेगा तो बेसिकली हमें ये पूछ रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और ये दोनों ही फैक्टर्स हैं जिन पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट अब आप देखिए जब हम छोटी से छोटी बात भी कर रहे हैं सॉरी से रिगार्डिंग तो हमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए तो अभी आप इन पॉइंट्स को भी नोट कर लें अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट अब देखिए एन इलेक्ट्रो मैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ वायर वाउंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड जब वायर को वाउंड किया जाता है उस टाइम पे ये क्या बनाता है इलेक्ट्रो मैगनेट इलेक्ट्रो मैगनेट समझिए यहाँ पे दो टर्म्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को मतलब ये मैगनेट तभी बनते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है एग्जाम्पल से समझिए अ सॉफ्ट पीस ऑफ आयरन प्लेसड इन सोलेनॉइड जब सोलेनॉइड में सोलेनॉइड में हम एक आयरन पीस को प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अब क्योंकि जो सोलिनॉइड है, है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और सोलेनोइड की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जब हम आयरन की कोई भी आर्टिकल आयरन पीस को प्लेस करते हैं उस टाइम पे वो मैग्नेटाइज हो जाता है आयरन अदरवाइज मैग्नेट नहीं है लेकिन जब आयरन को प्लेस किया जाता है solenoid में, आयरन भी क्या हो जाएगा मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इस तरह पे जो हमारे पास मैग्नेट बना है उसे क्या कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट सो देखिए दोबारा से समझिए से, इलेक्ट्रिक करंट इज पास जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा स्ट्रॉ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी द आयरन बिकम्स मैग्नेटिक आयरन मैग्नेटिक हो जाएगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनइट सॉलिड की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से द मैग्नेट सो प्रोड्यूस्ड इस तरह से जो मैग्नेट बनता है इज कॉल्ड इलेक्ट्रो मैगनेट तो बहुत ही यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा बनता है इस टॉपिक से दैट वट इज इलेक्ट्रो मैगने मैग्नेट हाउ इज इट प्रोड्यूस कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और इसे किस तरह से बनाया जाता है तो बहुत ही सारे यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि व्हाट इज सॉलिनॉइड सॉलिनॉइड क्या है एंड आफ्टर दैट ये आप मैगनेटिक फील्ड लाइन्स शो करिए अराउंड द सोलिनॉइड दैट और यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इन साइड द सोलिनोइड कैसी होती है यूनिफॉर्म तो इसके बाद आता है वॉट इज इलेक्ट्रो मैगनेट एंड हाउ इज़ इट प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ हाउ सोलिनॉयड बिहेव लाइक अ बार मैगनेट सोलिनॉइड एक बार मैगनेट की तरह किस तरह से बिहेव करता है तब आप उसका कंपेरिजन बार मैगनेट के साथ करके बता सकते हैं कि जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रहती बार मैग्नेट में उसी तरह से उसीड में भी रहती है इसमें भी एक नॉर्थ पोल रहता है साउथ पोल रहता है और जो मैग्नेटिक फील्ड है आप उसकी जो है डायग्राम बना सकते हैं शो कर सकते हैं फील्ड लाइन की हेल्प से एंड एनहेंस यू मे आंसर योर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये अच्छे से रिवाइज करिए पढ़ते रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें सो दैट वो भी कुछ नया सीख सके